जाने जाना रब दा फैसला। महापी, आपको तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, और करें डाइटिंग। कौन सी डाइटिंग, वहां जाके ना मेरी सारा हेल्दी लाइफस्टाइल खराब हो गया है। तभी कह रही थी बहन पीएचडी कर लो, बार बार कह रही थी, लेकिन नहीं, तुम पर तो इश्क का बुखार सवार था। मुझ पर तो इश्क का बुखार सवार है, तुम्हें क्या हुआ कि तुम क्यों सर पकड़ के बैठी हो अपना। ऐ साशे, मेरा बीबी भी चेक कर लेना तेरी सगी बहनों में। क्या मुसीबत है, एक बहन ने शादी करके, दूसरी बहन ने एंगेजमेंट करके मुझे बीच में मुसीबत में फंसा दिया। कर लो चेक, इसका हाई ही होगा। महापी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इनका तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है। इसकी शक्ल देख के मैं बता सकती हूँ इसके अंदर क्या चल रहा है। बहन, तुम्हारी शक्ल देखकर भी बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन ना अभी गौर करने का मूड नहीं है। आप लोग इस घर को हॉस्पिटल क्यों नहीं डिक्लेयर कर सकते? क्यों, तुम्हारे घर में कोई क्या इमरजेंसी नाफिज हो गई है? ऐसी वैसी आदम भाई और सरमद भाई दोनों की सेटिंग आउट हुई भी है। क्या हुआ उससे? एक्सक्यूज मी, आप शायद आदम भाई का पूछे और आप सरमद भाई का, है ना? क्या हुआ सरमद भाई को? सरमद को? सरमद भाई के सर में शदीद दर्द है, इसलिए यहाँ पे पेन किलर्स लेने आया हूँ। आई हूँ मैं, खुद देकर आती हूँ। बहन, उन्हें देने से पहले खुद ले लेना। आपने क्यों मना किया प्रोजेक्ट से? क्योंकि नेहाम, मैं चाहता हूँ जर्मनी तुम मेरे साथ देखो। भाई, आज साशा से पूरे दो नंबर मेरे ज्यादा आए हैं। गुड गुड गुड, इस बार टॉप मैं ही करूंगा। करूंगी। करो ना। लेकिन भाई, फिर भी मुझे कंप्यूटर के ट्यूटर लगवा देना। अरे क्या जरूरत है ट्यूटर लगवाने की, आधी से कह दूंगा टाइम निकाल लेगा तुम्हारे लिए। ठीक है। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे लम्स का एहसास नहीं होता? कितने तेज हैं आप। तेज नहीं हूँ, मोहब्बत में इंसान की सेंसेस शार्प हो जाती हैं। जब तुम रूम में एंटर हो रही थी, मुझे तभी तुम्हारी मौजूदगी का एहसास हो गया था। I'm sorry. किस बात का? आप मुझसे नाराज थे ना? अरे मैं नाराज दुरुस्त कोई नहीं था, एक्टिंग कर रहा था सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम्हें मेरा कितना एहसास है। लेकिन नाराज तो तुम भी थी। आप नाराज हुए तो मैं भी हो गई, लेकिन कल से जो मेरा खून चल रहा है उसका क्या होगा? तुम्हें तो थैंक यू करना चाहिए मेरा, इस चक्कर में तुम्हारी कितनी कैलोरीज बर्न हुई होंगी। मुझे ऐसी कैलोरीज बर्न नहीं करनी जिसकी वजह से कोई खुशी ना रहे मेरी जिंदगी में। अच्छा, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि मेरे होने की वजह से आपकी जिंदगी में खुशी है। अच्छा, आप जाए मेरे लिए लो कैलोरी पास्ता बना के लेकर आए। लो कैलोरी पास्ता? ऐसा होता कुछ नहीं वैसे, लेकिन ट्राई करते हैं। में तो हो तो मेरे साथ हो, मुझे तुमसे बात कर। ये क्या तरीका है, हाथ छोड़े ना। हाथ छोड़ने के लिए से नहीं पकड़ा था मैंने तुम्हें। मुंह से बात होती है, हाथ से नहीं। यह हमारा पर्सनल मैटर है, तो नॉट इंटरफेयर। मुझे आपसे बात नहीं करनी है, आप प्लीज हाथ छोड़े। पर क्यों नहीं करनी? नहीं का मतलब नहीं होता, आपको समझ क्यों नहीं आ रही? नेहा, it's important, come with me. नहीं, हाथ छोड़े ना। अलसी वाला, सॉरी मेरा मतलब नहीं था, जरा गुस्सा आ गया। सारम, आप प्लीज मेरी। नो नो, इट्स ओके, कोई से बात नहीं। आप तो रहो अपने बेस्ट बड़ी के साथ। सारम, सारम,
क्यों बदतमीजी की तुमने? वो क्यों जबरदस्ती कर रहा था तुम्हारे साथ? तो मैं देख लेती ना। मैं नहीं देख सकता, ऐसा सलूक तुम्हारे साथ कोई करे ना मैं तो मुंह तोड़ देता। मम्मी तो अब्बा हमारा मुंह तोड़ेंगे घर जाकर। घर चलो। क्यों, वो असाइनमेंट नहीं देनी उस मैम को? आज की तारीख में ना कुछ नहीं हो सकता, वो जाके शिकायत लगा देगा अब्बा को। सर तो घर पर है। वो सबसे पहले अब्बा के ऑफिस जाके चेक करेगा और फिर सीधा घर जाएगा। अच्छा तुम रिलैक्स करो, मैं हैंडल कर लूंगा। पता है फिलहाल अभी प्लीज घर चलो, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। चलो। तुम इस हद तक बढ़ जाओगे मैं सोच भी नहीं सकता था। सॉरी सर मैं। क्या सॉरी सर, तुम भूल गए इसका क्या रिश्ता है नेहा के साथ? अब्बा आदम का कोई कसूर नहीं। तुम चुप रहो। आदम बेटा वैसे तुमने ज्यादती की है। कसूर इसका नहीं, कसूर मेरा है जो अपनी सगी औलाद को इग्नोर करके इसे सर पर बिठाता रहा, अंधा एतबार किया इस पे, इसकी आंखों से देखता रहा और कानों से सुनता रहा। बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ, अपनी सगी औलाद के ऊपर किसी और को प्रेफरेंस देकर कोई ना कोई तो सजा मिलनी चाहिए थी ना मुझे। मिल गई, मिल गई। अंकल आप प्लीज उससे इसे बोल देंगे ये यहां से दूर रहे। वाह, एक दफा आदम से पूछे तो उसने ऐसा किया क्यों? मैंने तुमसे कभी पूछा इसकी शिकायतों पर कि तुमने ये क्यों किया? आदम बेटा तुम अपने घर जाओ प्लीज। आराम से, अब बात मुख्तलिफ है, माहा की ससुराल का मामला है। ये भी सोचना चाहिए था ना इसे। I'm sorry, अब्बा। पहले आदम की शिकायतों पर सफाई का मौका दिए बगैर आप मुझे झाड़ देते थे, उस वक्त भी गलत करते थे आप, और आज आदम की बात सुने बगैर आपने उसे गुनाहगार करार दे दिया। आज भी गलत किया आपने। I'm sorry, Swaram. जो यूनिवर्सिटी में हुआ मैं इन दोनों बेवकूफों की तरफ से एक्सक्यूज करता हूं। बात एक्सक्यूज की नहीं अंकल, बेहतर होगा कि आप एक बार और गौर कर लें इस चीज पर, क्या आपने कहीं नेहा के साथ जबरदस्ती तो नहीं की रिश्ता जोड़कर? मैं चलता हूं। बैठे, मैं पानी लाती हूँ। नेहा की कॉल। हाँ नेहा, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ है? मैं मान ही नहीं सकती वो तुम्हारे साथ ज्यादती कर सकते, आदम के साथ नहीं कर सकते। अरे समझ बेटा, जरा आके देखो आदम को क्या हुआ है, इतना बड़ा होके रो ही जा रहा है। यहाँ आदम भी रो रहा है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, तुम आके देखो। उसको रोता देख के मुझे तो घबराहट हो रही है बेटा, जल्दी चलो भाई। अरे क्या हुआ, तुम तो यूनिवर्सिटी गए थे ना? कुछ नहीं। फिर रो क्यों रहे हो बेटा? वहां नेहा रो रही है, यहां तुम रो रहे हो। तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है क्या? एग्जैक्टली, लड़ पड़े होंगे फिर तीतर और बटेर की तरह, है ना? अरे यार सच बता दे, अब किस बात को तुम दोनों ने सींग फंसाए हैं? ये तो कुछ बताएगा नहीं, मैं जाके नेहा से पूछती हूँ। नेहा तुमने ना सारी जिंदगी हमारे लिए जंगे लड़ी है। हाँ तो कोई आसान थोड़ी किया है, बहने हो तुम लोग मेरी। मेरी जान जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं क्या हुआ है, मैं तुम्हारी जंग किस तरह लड़ सकती हूँ? अब्बा ने अच्छा नहीं किया आदम के साथ। अच्छा तो तुम भी नहीं कर रही अपने साथ? क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? मैं ना तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। अम्मा ने थप्पड़ मारा तुम तब नहीं रोई, अब्बा सारी जिंदगी बातें सुनाते आ रहे हैं तुम तब नहीं रोई, अब ऐसा क्या हो गया जिसने तुम्हें रुला दिया? क्या हुआ? अब्बा ने आदम को डांटा
और रो तुम रही हो। उसे बड़ा मान था कि अब्बा उसे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हमारा मान तो कभी नहीं रखा उन्होंने, उसी का मान रख लेते। तुम्हें उसकी इतनी टेंशन क्यों हो रही? क्योंकि वो मेरा दोस्त। ठीक है, मैं जा रही हूँ अब्बा के पास उनसे बात करने के लिए, लेकिन तुम ना यहाँ बैठकर सोचो कि ऐसा क्या हुआ जिसने तुम्हें रुला दिया। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है, लेकिन बेहतर होगा कि तुम भी समझ जाओ। ऐसे एक बात कहनी थी कि आपको सारिम के सामने आदम को इस तरह नहीं डांटना चाहिए। मुझे भी लग रहा है कि कुछ गलत सा हो गया है। आपको सारिम ने बताया कि इन दोनों की आपस का झगड़ा हुआ किस बात पे था? क्यों, नेहा ने नहीं बताया तुम्हें? कहाँ, वो तो अपने दद्दू के ज्यादा करीब है। तुम्हें बेटियों के करीब होना चाहिए उल्फत। देखो, अगर बेटियों की माँ है, बेटियों की दोस्त बन जाए, तो वो जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं करती। मेरी तो सारी उम्र बस इस बात में गुजर गई कि आपका मूड ठीक करना है। हाँ, मुझे भी एहसास हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती करता रहा हूँ। अगर तुमने मेरी बेटियों की बहुत अच्छी परवरिश की है, सच पूछो तो अब मुझे बेटा ना होने की हसरत पर शर्मिंदगी सी हो रही है। अल्लाह भी कहता होगा कि कितना नाशुक्रा इंसान है। वैसे एक बात कहूं प्रोफेसर साहब, आप माइंड तो नहीं करेंगे? क्या? आज मुझे सारिम में आपकी झलक नजर आई। अल्लाह ना करे। गाड़ी में बैठो। तुम्हारा दिमाग खराब होगा, मेरा नहीं है। हाँ जी, हो गया है। मोहब्बत जो मुझे हुई है आपको नहीं, लेकिन ये बार बार जिताना ना जरूरी नहीं है। अब्बा से ट्यूनिंग करवाने के बाद भी सुकून नहीं मिला तुम्हें? सारी जिंदगी नहीं मिलेगा। ठीक है, तड़पते रहो, लेकिन मैं सब कुछ नहीं करूंगी जिससे अब्बा लेट डाउन हो जाए। मैं भी कुछ ऐसे नहीं करने वाला जिससे मैं और मजीद गिर जाऊँ सर की नजरों में। तो आधी रात को क्या चिल्ला काटने ले जा रहे हो मुझे? नहीं, उस सुरमे के घर जा रहे हैं, उसके गेट पे ना पत्थर फेंकेंगे। और इस पागलपन से क्या हो जाएगा? कम से कम भाभी मुझे ये ताना नहीं दे सकेंगे कि जिस लड़के ने बदतमीजी की थी मेरी बहन के साथ, तुमने उसका हाथ ही नहीं तोड़ा। ठीक है, ये बात है तो चलो चलो। एरो, अंदर चलो। कौन, हम? नहीं, सिर्फ तुम। वो एक्चुअली सर, हम ये हम तुम की डिटेल कल बताना मुझे, अभी मुझे सिर्फ नेहा से बात करनी है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं सारम के बारे में? आपने पूछा ही नहीं। तो बेटा, अगर मैं ना पूछता तो तुम सारी जिंदगी ना बताती? आपने भी तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी ना। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? माइंड मत कीजिएगा अब्बा, लेकिन आपने कभी खुद की जात से ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ऐसा क्या कर दिया मैंने? इसी बात का तो दुख है अब्बा, क्या आपको एहसास नहीं? सारी जिंदगी आपने अपनी महरूमियों की सजा दूसरों को दी है। क्या 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 सजा दी है मैंने? आपको मनपसंद लाइफ पार्टनर के इंतखाब का मौका नहीं मिला, तो आपने सारी जिंदगी अम्मी को इसी बात का एहसास दिलाया। हालांकि अगर आप चाहते थे तो मोहब्बत और तवज्जो से उनको बदल सकते थे। अल्लाह ने आपको औलाद नरीना नहीं दी, लेकिन आपने अपनी बेटियों के सामने इस हसरत का इतना इजहार किया कि बाज दफा हमें अपने होने पर शर्मिंदगी होने लगी। ये तो अल्लाह का फैसला है ना अब्बा। अल्लाह जिसे चाहे बेटे देता है, जिसे चाहे बेटियां देता है, और किसी को कुछ भी नहीं देता, तो फिर हम कौन होते हैं अल्लाह के फैसलों पर एतराज करने वाले? I'm sorry, बेटा, इसलिए मैं नहीं चाहता। क्या? मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले जैसे
उसकी माँ को मिला। ये क्या कह रहे हो तुम पुत्र बेटा? तुम तो एक बहुत अच्छे बाप हो और एक बहुत अच्छे बेटे हो। अब आप जो भी कहें, मैं जानता हूं मैं बहुत बेहतरीन उस्ताद, बहुत जिम्मेदार बेटा, बहुत अच्छा बाप और बेहतरीन दोस्त हो सकता हूं, लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं। ये तो उल्फत का ही हौसला है कि उसने इतने साल गुजार लिए मेरे साथ। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारिम के बारे में दोबारा सोचो। पहले भी मैंने नेहा से पूछ के किया था ये फैसला, और अब भी मैं चाहता हूँ कि नेहा अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे। ये एक बहुत अच्छी बात है बेटा तुम्हारी, तुम्हारे बाप ने तो तुमसे ये हक छीन लिया था, लेकिन तुम अपनी बेटी से ये हक नहीं छीन रहे। अब्बा आपने कुछ गलत नहीं किया था, वो तो सारी जिंदगी खामखा मैंने इस चीज को इशू बनाए रखा। सॉरी बेटा मेरे फोन आ गया, तुम लोग आपस में बात करो, मेरी एक डील चल रही है। अब्बा मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं जानता हूँ आज तुम जो चाहती हो बोलो, अपनी भड़ास निकालो। देखो बेटा मुझे तुम्हारे सर का नहीं पता, लेकिन सुल्तान अपनी औलाद के लिए किसी चट्टान से भी टकरा सकता है। हाँ वो मान जाएंगे ना, उसका बाप सफीउल्लाह भी मानेगा। अरे यार मेरे बेटे की दिल की खुशी का मामला है, मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, फिक्र ना कर। आप जितनी कोशिश कर सकते ना प्लीज करें, नेहा के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकूंगा। अरे मेरा बच्चा तुम तसल्ली रखो, बहुत प्यारा है तू मुझे, तेरा केस मैं पूरी एनर्जी के साथ लड़ूंगा। हाँ ये वाली शर्त मैं नहीं हारूंगा। हाँ अच्छा बाप जैसे भी थे, खुदा की कसम मुझे इश्क था और सारी जिंदगी रहेगा आपसे। सिर्फ आपकी तवज्जो के लिए मैं सी उटपटांग हरकतें करती थी। अल्लाह ने आपको बेटा नहीं दिया, मैंने खुद को बेटी समझना छोड़ दिया सिर्फ आपकी मोहब्बत के लिए। हालांकि मुझे फख्र है कि मैं लड़की हूं, लेकिन अब्बा आपका एहसान है, आप मेरी हरकतों पर झंझलाए चीखे चिल्लाए लेकिन मुझे भरपूर मौका दिया उड़ान का, मुझे अपनी आवाज उठाने की आजादी दी और उससे बढ़कर अपनी तीनों बेटियों को इख्तलाफ करने का हक दिया। नहीं बेटा मैंने कुछ भी नहीं किया तुम लोगों के लिए, जो कुछ भी किया तुम्हारे दादू ने किया। अगर आप चाहते तो आप सख्ती से उन्हें रोक सकते थे। यही तो सख्ती में नहीं करना चाहता था जो मेरे अब्बा ने की, और इसमें इनका कोई कसूर नहीं था। शायद इकलौती औलाद के वालिदैन इतने ही सेंसिटिव होते हैं, वो तो मैं ही नहीं समझ पाया ये बात। आप बेस्ट फादर थे कसम से, लेकिन वो चमचा बीच में ना आता ना। नेहा मैं चाहता हूं कि ये चमचा सारी जिंदगी रहे हमारे बीच में, जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारी रिस्पेक्ट करता है, जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया से लड़ता है। अब्बा मैं समझी नहीं। बेटा जिंदगी में साथ रहते हुए मोहब्बत कभी भी हो सकती है, लेकिन लाइफ पार्टनर के इंतखाब के लिए उस शख्स को अहमियत देनी चाहिए जो तुम्हारी दिल से इज्जत करता है, जो तुम्हें ऐसे ही एक्सेप्ट करता है जैसे हम हैं। और इस मामले में मैं समझता हूं कि आदम तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस है। लेकिन अब्बा सारम, मेरा सारम एक अच्छा लड़का है, लेकिन आदम बेहतरीन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि तुम एक बार मेरे कहने पर जरूर गौर करो। अब्बा मैं जरूर सोचूंगी, लेकिन आखिरी फैसला आपका ही। Thank you.
मैं नहीं देख सकता। ऐसा सलूक तुम्हारे साथ कोई करे ना, मैं तो मुंह तोड़ देता। वाह भाई वाह, भाभी ने चाय तो बड़ी आर्ट क्लास की बनाई है। चलो शुक्र है कुछ तो अच्छा लगा तुम्हें हमारे घर का। वैसे पता क्या, मैं दिली दिल में जेलस होता हूँ तुम्हारी बेटियों की फरमा बरदारी और जहानत को देख। हाँ इसलिए ताने देते थे ना मुझे हर वक्त तीन बेटियों का बाप होने का। अरे यार वो तो मेरी कमकली थी, वरना ऐसी समझदार और शरीफ बेटियां तो अल्लाह हरेक को दे। अगर मेरे तीन बेटे भी होते ना तो साशा का भी रिश्ता मांग लेता मैं। हाँ क्यों, नेहा को खुद ही फर्ज कर लिया तुमने अपनी बहू? भाई उस पर तो पहला हक बनता है मेरा, मैंने ही तो दी थी उसे गुट्टी, इसलिए आज बड़े मान से उसका रिश्ता मांगने आया हूं तुम्हारे पास। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया तुम्हें? अरे यार देर आए दुरुस्त आए, वैसे भी मां बेटी ने तो हम सबका दिल जीती लिया है, और सबसे बड़ी बात यह कि मुझ जैसे निकट्टू और काहिल इंसान को भी काम पे लगा दिया है। काम पे सुल्तान वो तो ठीक है, लेकिन देखो दुआ करो कि अल्लाह वो करे जो दोनों के हक में बेहतर हो। आमीन आमीन आमीन। अब्बा प्रोफेसर जाबिर और सारिम भाई आए हैं। अबे ये कहां टपक पड़े सुबह सुबह, उन्हें भी रात को ख्वाब तो नहीं आ गया था कि सुल्तान टांगड़ाने आ रहा है रिश्ते में? अच्छा मैं आता हूँ, तुम भी आ जाओ। आ नहीं मैंने भी, तुम ही निपटो, कि मशीनी बेटे को देख के मुझे जरा गुस्सा सा चढ़ जाता है। हाँ तुम जाओ जाओ जाओ। अच्छा कहीं जाना नहीं, बैठे रहो। हाँ भाई ज़ॉम्बी वायरस कितने अकाउंट और हैक किए? अंकल मैंने वो काम छोड़ दिया, बुरी बात होती है ना। है? लगता है अच्छा बनने की हवा चल पड़ी है शहर में, वो भी बेरोजगारी में। अब तो रोजगार है। अच्छा बेटा अच्छा फिर ठीक है बेटा ठीक है। हाँ बाबा क्या बना इस इब्न सुल्तान का? अरे बेफिक्र रहो अर्जी डाल आया हूँ, और वो भी वहां पहुंचा हुआ है तुम्हारा रकीब सारे। हाँ तुम भी फौरन वहां पहुंचो ताकि कुतुब को एहसास हो कि चमचागिरी का असल इनाम किसे देना है। हाँ जाओ give it up जाओ। नहीं दम का कीमा लेकर जाता हूं ताकि दम निकाल सकूं उस सारिम का। भाई जबरदस्ती पकड़ लाया है मुझे। कोई बात नहीं सब खैर तो है ना। एक्चुअली अंकल मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि बड़े खुले दिल से बड़े ठंडे दिमाग से सुनना बात। सच पूछो तो मुझे बहुत तकलीफ है अपने बेटे के इस फैसले पर। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाबिर। हाँ बोलो सारम क्या बात है? अंकल हम जिंदगी के बास फैसले बहुत उजलत में करते हैं। जैसे तुम्हारी और नेहा की एंगेजमेंट का फैसला। मुझे ऐसा लगता है कि नेहा और मेरे बीच में कंपैटिबिलिटी मिसिंग है। ये मत समझना कि मैंने इसे समझाया नहीं, बहुत कोशिश की मैंने समझाने की, बस शर्मिंदगी हो सकती है और क्या करें। अरे इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है, हर इंसान को अपनी जिंदगी के बारे में बेहतर सोचने का हक होना चाहिए। नेहा बहुत अच्छी है और वो अपने ही जैसे फुल ऑफ लाइफ पार्टनर को डिजर्व करती है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक बार फिर इस पर गौर करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। हाँ गौर तो मैंने कर लिया है, तुम टेंशन मत लो, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मैं दम वाला कीमा लाया हूँ, खाएंगे? ये अब तुम नेहा को खिलाना, बहुत पसंद है उसे, बता रही थी एक दिन मुझे। अच्छा दिन के वाकई के लिए हम सॉरी। सॉरी तो मुझे भी कहना चाहिए, खामा खा तुम दोनों के बीच में आ गया मैं। क्या बातें हो रही है तुम लोगों के बीच में? आदम तुम ऐसा करो कि मेरी स्टडीज में जाओ, तो मैं बात आकर करता हूँ तुमसे। ओके सर। It's okay. Relax, relax. No. वाह वाह। भाभी पराठे दे दे। भाई चला हुआ पराठा। ये मेरे लिए बना हुआ है, लाओ उधर लाओ।
अब सॉरी मैं बनाना सीखी हूँ ना अभी। अरे नहीं नहीं महा, सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मिली की बच्ची के तो ऐसे नखरे सूझते रहते हैं। चुप करके खाओ। अबे टिका के ऑमलेट बनाया, खानदानी लग रहा है। तो बिल्कुल आपकी खानदानी बहू ने जो बनाया। अरे वाह, नहीं 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 नहीं, अरे तुम सब भी बैठ के खा लो ना, क्या हमारे सर में खड़े निवाले गिनते रहोगे हमारे आने तो। नहीं नानो, मुझे ना माँ को लेके डॉक्टर के पास है ना, दो दिन से तबीयत इसकी ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों। माशाल्लाह, अल्लाह खैर का वक्त लेकर आए। अरे भाई तमन्ना खाला, मुबारक हो, आपके ऑफिस की डील करा दी है जहाँ फीस अभी लिल्ला रिश्ते करवाएंगी। फीस अभी लिल्ला सबील लग गई तो दफ्तर में खर्चा कहाँ से आएगा। अरे लड़के वालों से ले लीजिएगा, वैसे भी बेटियां तो हम सबकी सांझी होती हैं और ये बात हमें महा बेटी ने घर में आके समझाई है। भाई वाह महा, सुल्तान को तुमने इंसान बनाया, मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। अब देख लो बेटा, मेरे अच्छे होने का भी मजाक उड़ा रहे हैं, सब लगता है डिजर्व नहीं करते मुझे। मजाक कर रहे हैं ये लोग। आदम कहाँ है? अब इंटरव्यू देने गया था अपने होने वाले ससुराल में। कुतुब अंकल की तरफ गया है। लो जी, यकनशुद दो शुद, बाय वन गेट वन फ्री, एक ही घर से दो दो लड़कियां, एक पुदक के उधर दूसरी पुदक के इधर। आए बड़ा मजा आएगा। हाँ चलो माँ, हम चलते हैं डॉक्टर के पास। एक मिनट, ये पराठा मैं तुम्हारे हाथों से खाऊंगा रास्ते में, मेरा फेवरेट पराठा है। आह ब्यूटीफुल, चलो लेट्स गो। ओह नो मैन, सिगाल्ला तुम्हारा क्या ख्याल था आदम, पता नहीं चलेगा मुझे। जी 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 सर। बेटा उस्ताद हूं मैं तुम्हारा, बहुत अरसे से जानता था, लेकिन मैं अपनी बेटी पर मुसल्लत नहीं करना चाहता था अपनी पसंद। तो वो अब कौन सा मान जाएगी? नहीं ये तो अब तुम पर डिपेंड करता है, जिसके बाप को काबू कर रखा था उसकी औलाद कितनी देर रिजिस्ट करेगी तुम्हारे सामने। इंशाल्लाह फौजें हथियार डाल देंगी। उसके साथ जिंदगी गुजारने का मतलब जानते हो, हर वक्त हालत जंग में रहना पड़ेगा। सर 25 साल की प्रैक्टिस है, मैनेज कर लूंगा। लाडली है वो मेरी, जानता हूं सर। हाँ सभी जानते हैं सिवाय उसके। वो भी जान लेगी, लेकिन एक बात जान लो, आखिरी फैसला नेहा का ही होगा, जैसा वो चाहेगी मैं वही करूंगा। ओके सर, जितनी दुआएं पढ़ सकते हो पढ़ लो। ओके सर। लो, एक बेटी का निकाह टूटा था, दूसरी की मंगनी टूट गई। अम्मी निकाह या मंगनी खत्म होने का मतलब ये थोड़ी कि जिंदगी खत्म हो गई है। बेटा लोग क्या कहेंगे? भाड़ में जाए लोग, आधी जिंदगी हमने गुजार दी बस ये सोच सोच के कि लोग क्या कहेंगे। फिर भी जमाने के साथ चलना पड़ता है। अम्मी रहने दें, अपनी बेटियों को ना एजुकेशन और शऊर सिखाएं, उन्हें ये सिखाएं कि टॉक्सिक रिलेशन में रहने से अच्छा है कि इंसान टाइम निकालकर कुछ और सोच ले। मतलब जिंदगी में पीस ऑफ माइंड से ज्यादा बढ़कर और कोई चीज नहीं होती है। कौन सिखाता है तुम्हें ये बातें? एजुकेटेड और समझदार पेरेंट्स सिखाते हैं ऐसी बातें, जिनके लिए लोगों की बातों से ज्यादा अहम अपनी औलाद की जिंदगियां होती हैं। हाँ भाई मान लिया कि दुनिया गोल है, अरे मगर इतनी गोल नहीं है कि घुमा फिरा के निग्गी डिंपल वाली को लाके मेरे सामने तुम खड़ा कर दो। अरे जहन्नुम में गया तुम्हारा कमर्शियल और जहन्नुम में गए तुम्हारे 25 लाख, इनकार है मेरी तरफ से। इकरार हो सकता है दादू, अब्बा का मूड बहुत अच्छा है, अगर आप कहें तो निग्गी डिंपल वाली के लिए बात करूं, लाइफ पार्टनर मिल जाएगा आपको। नहीं चाहिए कोई लाइफ पार्टनर मुझे, मेरे लिए मेरी अच्छी सी बहू और मेरे लिए मेरी नेहा माहा साशा ही बहुत है, और इतना ख्याल करने वाला बेटा भी है मेरे पास खुतबुद्दीन, और 24 घंटे फ्री सर्विसेज देने वाले सरमद और आदम जैसे दामाद। दूर तुत 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 तुत
क्या कह के गया है? ठीक कह कर गया है। मैं सोच रहा हूँ मैं ले जाऊँ नेहा का रिश्ता इसके घर। लड़की का रिश्ता? अस्तग़फ़िरुल्लाह। इसमें अस्तग़फ़िरुल्लाह की क्या बात है? अरे भाई जब लड़कों के रिश्ते आ सकते हैं तो लड़की के रिश्ते भी जा सकते हैं। अरे सोच बदलो जमाने की। मामू आप बहुत अजीब बातें करते हैं, मेरी समझ से बाहर है। सोच रहा हूँ यही अजीब बातें सिखाऊंगा मैं जमाने को। चाय तो पीते जाते। आपके लिए। ये नकली फूल कौन देता है अपनी मिसेस को? वो मासूम शोहर जिसकी बीवी को असली फूलों से एलर्जी है। ये फूल आपके लिए। इतने बड़े गुलदस्ते में से सिर्फ एक ही फूल क्यों? ये फूल मेरी जिंदगी में आके इसको इतना खूबसूरत बनाने के लिए। थैंक यू। और ये फूल उस फूल के लिए जो कि हमारी जिंदगी में आके हमें मुकम्मल करने जा रहे हैं। मेरी खुदा से ये दुआ है कि अल्लाह हमें रहमत से नवाजे। इंशाल्लाह। आमीन। और ये फूल मेरी जिंदगी में तालीम के लिए दिलचस्पी लाने के लिए। थैंक यू। और एक और फूल मेरे बाप को राय रास्ते लाने के लिए। आप मुझे ये सारे फूल एक साथ क्यों नहीं दे देते? जिंदगी का मजा ऐसे घूम घूम करके मोहब्बत का जाम पीने में है मिसेस महा सरमद। ये सारे फूल उस शख्स के लिए जिसे देखकर मेरी जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। कहीं हमारे चिंटी तो नहीं? ओ बेबी ओ थैंक यू मेरी जिंदगी को इन खूबसूरत लम्हों से भरने के लिए। रोशनी तो वाकई मान पड़ गई तुम्हारे आने से। तुम्हारे सामने भी किसी का चिराग नहीं जल सकता। तुम्हारे अब्बा ने बुलाया था, इकरार करके आ गया अपनी मोहब्बत का। शर्म तो नहीं आई होगी तुम्हें? आई तो थी लेकिन फिर सोचा कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। खैर करम तो नहीं फूट सकते तुम्हारे साथ होने से। क्या फायदा ऐसे साथ का जहां सामने खड़ी लड़की का दिल ही ना पिघल सके। दिल तो काफी अरसे से पिघल चुका था, बस नेहा उस्ताद ने कान से पकड़ के दिल को चुपकवा के बैठा दिया। इम्पॉसिबल। क्या तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हें मोहब्बत हो सकती है? मेरे दिल के इर्द गिर्द लोहे की दीवार है, मैं कुछ फील नहीं कर सकती। इसे जानता तो था, ये चाहता था कि तुम खुद कह दो। तुम्हारे सामने एक लड़की खड़ी है जिसे लग रहा है कि अगर उसकी जिंदगी से आदम सुल्तान माइनस हो जाए ना तो पीछे सिर्फ खसारा बच जाएगा। आदम सुल्तान खसारा कभी नहीं होने देगा। यही तो होता तुम्हारी अच्छी लगती है, मोहब्बत हो या दुश्मनी ज़र्फ़ के मामले में कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। मोहब्बत में कोई हार जीत नहीं होती नेहा। मैं तो हार गई ना तुम्हारे यहाँ, और जिंदगी में पहली बार इस हार से मुझे प्यार है। और इसी प्यार पर आदम शुक्रगुजार। और इसी शुक्रगुजारी पर नेहा तुम्हारी वफादार है। और इसी वफादारी पर आदम सुल्तान तुम्हारा और तुम्हारे अब्बा के गले का हार है। बस और नहीं काफी है मिला सकती मैं। दिल से दिल तो मिला सकती हो ना? दिल से दिल तो मिल ही गए क्योंकि ये है रब का फैसला। और ये फैसला दिल और जान से कबूल है, कबूल है, कबूल है। मुझे भी कबूल है। तेरी हंसी जादू भरी लगती है सबसे निराली। ओ तेरी हंसी जादू भरी लगती है मुझको निराली। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी। ध्यान से तू सुन ले जरा, हम तुम मिले ना जाने जाना रब का फैसला। हम तुम मिले ना जाने जाना रब का फैसला। चल चल झूठी
परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। चल चल झूठी परे हट जरा, तू जो पास आए लगे एक सजा। तेरी मेरी लव स्टोरी लगती मुझे छिछोरी, ध्यान से तू सुन ले जरा। हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब का फैसला।